वहीं बीजेपी की हरियाणा इकाई ने लोकसभा चुनाव के संबंध में एग्जिट पोल के परिणामों पर प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने दावा किया कि पार्टी 400 पार सीट हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को जो लक्ष्य दिया था उस लक्ष्य को पार्टी हासिल करेगी। एग्जिट पोल में पूरे देश में लोकसभा सीटों का जो अनुमान दिखाया गया उससे निश्चित तौर पर साबित होता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। के जो परिणाम है वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार का टारगेट भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को दिया था और कार्यकर्ताओं ने भी जो मेहनत और लगन के साथ काम किया उसके आधार पर कहा जा सकता है कि पूरे देश के अंदर जो एग्जिट पोल ने एक अनुमान जो दिखाया है पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन अनुमानों के आधार पर 400 पार का जो नारा दिया था उस 400 पार के नारे को पूरा करेगी पार्टी की टीम। और निश्चित रूप से लगता है कि देश की जनता ने उसी आधार पर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। हरियाणा प्रदेश में भी जैसे हम 2014 के चुनाव में 7 सीटें जीत करके आए थे, 19 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने हमें 10 की 10 सीट के ऊपर आशीर्वाद दिया, तो इसी प्रकार से इस बार भी हमें लगता है, हमें विश्वास है कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर कि हरियाणा प्रदेश में भी जैसे देश में 400 पार जाएगा वैसे 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी।